हेलो लिब्रास, वेलकम टू माय चैनल रीम टैरोट। होप यू आर डूइंग गुड। ये आपकी फेब्रुअरी मंथ की रीडिंग है, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के हवाले से, और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। आपसे खुद मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर, उसका लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग, देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। लिब्रास आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के हवाले से, लिब्रास पार्टनर करंट फीलिंग्स। अंडरनीथ में आपके पास है टू ऑफ कप्स, सो इट्स अ गुड कार्ड टू हैव। देखते हैं कि बाकी मैसेजेस क्या कहते हैं आपके लिए। फोर ऑफ कप, चैरियट, पेज ऑफ सोर्ड्स। जब मैं शफलिंग करी थी तो ये कार्ड जो है वो पॉप अप हुआ था। द वर्ल्ड, सिक्स ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप। ओके, सो यहाँ पर कोई पास्ट पर्सन है जो कम बैक कर रहा है आपकी लाइफ में, ट्रांसफॉर्म, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है। अगर आप में ब्रेकअप था, अगर आप दोनों में ब्रेकअप सिचुएशन थी, तो वो पर्सन जो इस ब्रेकअप सिचुएशन को ट्रांसफॉर्म करना चाहता है, वो पैचअप करना चाहता है, लाइक ब्रेकअप को दोबारा से पैचअप में बदलना चाहते हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है इस टाइम पे। अगर आप दोनों एक दूसरे से बहुत अरसे से सेपरेटेड थे, तो अब ये टाइम है कि आप दोनों एक दूसरे से पैचअप कर रहे हैं। पास्ट पर्सन जो वो कम बैक कर रहा है आपकी लाइफ में, लाइक वो पर्सन कम बैक कर रहा है और बहुत सारी मेमोरीज जो है वो रिकॉल कर रहे हैं आपके साथ। दो के वो पर्सन बहुत अरसे से आप पे नज़र रखे हुए था कि वो चाहता था कि आप उससे बात करें, या वो बहुत अरसे से बात करना चाह रहा था, उसको कोई मीन नहीं मिल रहा था। तो हो सकता है इस टाइम पर ये ऐसा टाइम पीरियड है कि इसमें उनको कोई रास्ता मिल गया हो दोबारा से पैचअप करने का, दोबारा से बातचीत करने का। तो बट वो पर्सन, हो सकता है आप उस पर्सन से बातचीत करना चाह रहे हो, बट वो पर्सन थोड़ा सा इमोशनली डिटैच्ड है। और उस पर्सन के लिए जो चैलेंज है वो ये है कि वो मूव फॉरवर्ड कैसे करे। वो पर्सन चाहते थे ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, या तो वो खुद चाह रहे हैं या फिर उनके लिए हो रही है ये चीज़, और वो हो सकता है नॉट इंटरेस्टेड है इस टाइम पे इमोशनली इन्वेस्ट करने में, और वो मूव फॉरवर्ड भी नहीं, उनके लिए मूव फॉरवर्ड करना थोड़ा सा मुश्किल है, चैलेंज है इस टाइम पे। कि अगर उनके पास ये चांस मिल रहा है उन्हें कि वो दोबारा से इस रिलेशनशिप को रिस्टोर कर सकते हैं, तो वो इस टाइम पे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, और उनके लिए चैलेंज है कि वो किस तरीके से इसको आगे बढ़ा सकें। दो के पास रीयूनियन है, दो के वो ये फील करते हैं कि ये एक सोलमेट कनेक्शन है उनका आपके साथ, और वो बहुत अरसे से कोई लाइक उनकी नज़र भी थी इस सिचुएशन पे, बट अब उनके पास चांस आ रहा है तो वो थोड़े से बैक पे जा रहे हैं, लाइक इंटरेस्ट नहीं ले रहे। उनकी माइंड में है कि उन्हें क्लोजर चाहिए, या तो हर चीज़ क्लियर हो, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है जिनकी वजह से आपका और उनका ब्रेकअप हुआ है, वो हर चीज़ क्लियर हो, उसके बाद जाके क्लोजर मिले कि ये जो सिचुएशन बहुत अरसे से चल रही थी उसका एंड क्या है, वो क्लोज हो जाए, वो सिचुएशन क्लोज हो जाए, तो वो जाके दोबारा से एक नया स्टार्ट ले सकेंगे। हो सकता है उन्हें वो क्लोजर नहीं मिल रहा, इसी वजह से वो इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे हैं और वो मूव फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको चाहिए कि आप उनसे बात करें और उनसे बातचीत करके क्लोजर लेकर आएँ, एक पॉइंट पे लेके आएँ जो भी सिचुएशन है उसे। और मुझे लगता है कि अभी वो इस वक्त में इंटरेस्ट नहीं ले रहे, बट आफ्टर सम टाइम वो ज़रूर जो भी ऑफ़र है या तो वो आपको कर सकते हैं दोबारा से ऑफ़र, या फिर वो जो भी ऑफ़र उनके पास है उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो या फिर उनके लिए चैलेंज है कि वो बहुत अरसे से चाह रहे हैं पैचअप करना, और उनको उनके लिए चैलेंज ये है कि आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे, आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे, तो ये उनके लिए चैलेंज है, वो मूव फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हैं इस रिलेशनशिप में। बट आफ्टर सम टाइम इट विल हैपन, वो दोबारा से इसको ट्राई करेंगे, दोबारा से कोशिश कर सकते हैं आपसे पैचअप करने की। तो उस टाइम फ्रेम में हो सकता है उन्हें क्लोजर मिल जाए और दोबारा से इस रिलेशनशिप का एक नई शुरुआत हो सके। सो
वो एक लाइक पास्ट मेमोरीज भी रिकॉल कर रहे हैं, पास्ट पर्सन हैं वो आपके, अगर सोलमेट हैं, ये सोलमेट कनेक्शन ही है, अगर वो सोलमेट हैं तो वो दोबारा से कम बैक कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को दोबारा से रिस्टोर करने के लिए। और वो जो इन्फॉर्मेशन चाहते हैं हो सकता है वो उनको मिल चुकी है आपकी तरफ से, जो क्लैरिटी चाह रहे थे वो मिल गई है उन्हें, इसीलिए वो दोबारा से कम बैक करना चाहते हैं और कर भी सकते हैं आफ्टर सम टाइम। सो लिब्रास, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ फेबरी। इफ़ इट रेजोनेट्स यू, प्लीज़ लेट मी कन्फर्म इन कमेंट बिलो। लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।